गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज़ अ क्लास फिफ्थ ऑफ भारतीयम पब्लिक स्कूल। चिल्ड्रन, आज हम करेंगे SST के ट्रू फॉल्स। कमर्शियल फार्मिंग इज़ डन ऑन अ स्मॉल स्केल, मतलब फॉल्स, क्योंकि कमर्शियल फार्मिंग जो होती है वो प्रॉफिट के लिए की जाती है। रेसलिंग इज़ एन एंशियन स्पोर्ट्स इन इंडिया। रेसलिंग क्या है? वो एंशियन मतलब पुराने समय का एक स्पोर्ट्स है, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। दाल बाटी इज़ अ स्पेशल फूड ऑफ गुजरात। जो दाल बाटी है वो स्पेशल फूड है, गुजरात का नहीं है, क्योंकि वो राजस्थान का है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि गुजरात में ढोकला होता है, फाफड़ा वगैरह होते हैं। कबड्डी इज़ अ ट्रेडिशनल गेम। कबड्डी क्या है? हमारा ट्रेडिशनल गेम है। आउटडोर गेम आर प्लेड इन अ ओपन प्लेस। आउटडोर जो गेम्स होते हैं वो खुले में खेले जाते हैं। मैनी ट्राइबल्स लिव इन द फॉरेस्ट। जो आदि ट्राइबल्स मतलब जो आदिवासी लोग होते हैं वो कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। बायोस्फेयर इज रिजर्व मेंटेन इज द जो बायोस्फेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं? मेंटेन किए जाते हैं ताकि हमारा जो इकोसिस्टम है या जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो सही रहे। मतलब ये ट्रू है। ग्रीन नेशनल पार्क इन राजस्थान। ग्रीन नेशनल पार्क गुजरात में है, राजस्थान में नहीं है, इसलिए यह फॉल्स स्टेटमेंट है। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ वेराइड फूड हैबिट, मतलब ट्रू। इंडिया में बहुत तरीके के खाने खाए जाते हैं। 1/3 ऑफ द अर्थ लैंड कवर्ड विद द फॉरेस्ट, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। जो पृथ्वी का 1/3 हिस्सा है वो किससे कवर्ड है? जंगल से कवर्ड। इरीगेशन इज़ द मैथड ऑफ वाटरिंग द प्लांट। जो इरीगेशन है वो क्या है? पेड़ों को पानी देने का एक सिस्टम है, मतलब ट्रू है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रोटेक्टेड बंगाल टाइगर। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट किया जाता है वहाँ पर। मुंडा एंड गोंडा ट्राइब्स बिलोंग टू मणिपुर। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। ब्राह्मण्स वर लर्न टू प्रीस्ट, मतलब ट्रू, क्योंकि ब्राह्मण्स जो होते हैं वो शिक्षा देते हैं। आर्चरी इज आर अ इंडिविजुअल गेम। आर्चरी मतलब जो धनुष बाण है उसको हम आर्चरी कहते हैं इंग्लिश में। तो वो क्या है? वो एक इंडिविजुअल है, क्योंकि उसमें वन पर्सन ही खेलता है, जो उसकी टीम होती है उसमें सिर्फ एक प्लेयर होते हैं। तो ये आपको ट्रू फॉल्स मैंने डिक्टेट किए, तो ये आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू।